हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर जो है वो पार्ट थर्ड है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स का। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज देखेंगे लैंथेनॉइड्स की, उसके बाद हम रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स देखेंगे एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड को। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम करते हैं कलर एंड स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनॉइड्स। देखिए स्टूडेंट्स, यदि मैं कलर की बात करूँ, ठीक है, यदि मैं कलर की बात करूँ लैंथेनॉइड्स की, तो मोस्ट ऑफ द जो लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड्स जनरली क्या होते हैं आपके पास, कलर्ड होते हैं। वी कैन राइट हियर लेंथेनॉइड्स आर कलर्ड, ठीक है, कलर्ड रहेंगे ये बोथ इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वा स्टेट, बोथ इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वास्टेट। चाहे ये सॉलिड स्टेट में हो या एक्वास्टेट में हो, ये क्या होते हैं आपके पास, कलर्ड होते हैं। इसको याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, देखिए यदि मैं बात करूं एलिमेंट्स, यहाँ पे मैंने राइट डाउन किए हुए हैं, तो एलिमेंट्स यहाँ पर सभी जो एलिमेंट्स आपके पास है वो प्रेजेंट है, दैट इज लैंथेनम, सीजियम, प्रोमिथियम, निबोडियम, मतलब जो आपने सीरीज याद की हुई है, सीने पर नदियां प्रेम समान और गड़गड़ तब्दील हुआ, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, आपने कहा क्या लिखा है, जो मिडल हाफ है उसके गैडोलिनम तक, उसको एक सीरीज में लिखा, एक साइड लिखा, दूसरी साइड आप गैडोलिनम को नीचे से ही दोबारा से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपने जो गैडोलिनम है उसको यहां तक फर्स्ट सीरीज में लिखा, देन आप गैडोलिनम को नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे दूसरी जो आपके पास रो है उसके अंदर, ठीक है। तो आप यहां से देखेंगे तो आपके पास क्या है, गैडोलिनम ये लिखा गया। अब देखिए जो कलर होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिन जिन के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे उनके जो कलर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके पास, सेम रहेंगे, ठीक है। लाइक यदि मैं बात करूं आपके पास लैंथेनम और ल्यूटेनियम के केस में, ठीक है, तो लैंथेनम और ल्यूटेनियम दोनों के केसेस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, दैट्स व्हाई इन दोनों के कलर भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जो भी कलर रहेगा, चाहे वो कलरलेस है या कलर है, वो क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। ये इसमें जो हमने याद रखने के लिए ट्रिक बनाई है। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लैंथेनम की लिखती हूँ, तो लैंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास आती है F0, ठीक है। उसके बाद सीरियम जो है उसकी आती है आपके पास F1, देन आपके पास प्रोमीथियम की आती है +2, ठीक है। ये सब हमने कब लिखा है, ये सब हमने लिखा है जब हमने इनको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा, इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +3, प्रोमेथियम 3+, सेमेरियम 3+, यूरोपियम 3+, गैडोलिनम 3+, ल्यूटेनियम, यट्रियम, टेमेरियम, यूरोपियम, हॉलोमिनम, DY हो गया, TB एंड गैडोलिनम अगेन नीचे, ठीक है। ये हम इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो F1 है, देन आपके पास F2 आ गया है, देन इसको यदि निबोडियम के देखेंगे तो F3 आएगा। इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने पहले आपको सिखा दी है, तो आप वहां से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लर्न करेंगे, इजिली लर्न आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने F के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो राइट डाउन यहाँ पर कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट जो आपके पास गैडोलिनम है उसके अंदर नीचे देखिए, मैंने दोबारा गैडोलिनम लिखा है, F7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन आपके पास कितने होते हैं, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, जितने भी जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस थी वो हमने लिख लिए। अब मैंने क्या कहा है कि जिसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कलर सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्टली मैं बात करती हूँ लैंथेनम की, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले मैं लेती हूँ La3 पॉजिटिव और ल्यूटेनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, दोनों को मैंने साथ साथ रखा है सामने सामने। तो इसमें क्या है, देखो लैंथेनम 3 पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या है, F0 है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। इसी तरह से ल्यूटेनियम है, इसके अंदर क्या है, F14 लिखा है, ठीक है, ल्यूटेनियम में F14 है। जब आप इसके अंदर 7 सब और ऑर्बिटल फॉर्म करते हो, इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो, कितने आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन जब आप इसके अंदर फिल करोगे, तो उस केस में देखिए
आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों केसेस में क्या आ गए हैं, जीरो आ गए हैं। दोनों के दोनों क्या है, डायमैग्नेटिक है, इसीलिए दोनों का कलर क्या रहेगा आपके पास, कलर लेस। इसको आप क्या बोलोगे, दीज आर कलर लेस। ठीक है, दोनों क्या है, कलर लेस। ऐसे ही ल्यूटेनियम भी क्या है आपके पास, कलर लेस। ठीक है, उसके बाद देखिए सीरियम थ्री पॉजिटिव है। सीरियम थ्री पॉजिटिव यहाँ पे एक्सेप्शनल है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन बाद में करूंगी। ठीक है, कि भाई इसके अंदर क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आ जाता है, और दूसरी दूसरी ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर अब्जॉर्प्शन शो करता है। होना क्या चाहिए था, इसका कोई ना कोई कलर होना चाहिए था, लेकिन सीरियम थ्री पॉजिटिव, ठीक है, इसको मैंने स्टार मार्क किया है, ये क्या होता है आपके पास, कलर लेस होता है। ये क्या होता है, कलर लेस होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह से देखिए इट्रियम है, इसके सामने इट्रियम के अंदर F13 है, 13 है, तो मतलब इसके अंदर क्या रहेंगे, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है 13 इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे कुछ, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर पेयर अप हो जाते हैं, सॉरी 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपके पास क्या होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, और एक जो बचेगा वो क्या रहेगा, अनपेयर्ड। तो ऐसे ही जैसे सीरियम के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, ऐसे ही आपके पास यूट्रियम के पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। दैट्स वाई इसका और इसका दोनों का कलर सेम रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, कलरलेस। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए प्रोमीथियम है, प्रोमीथियम के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने गिवन है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है कितने हैं, 2 है। जब आप टीमेरियम में देखोगे 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो पेयर अप हो जाएंगे, तो यहाँ भी क्या बचेंगे आपके पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 बचेंगे, तो दोनों का आपके पास सेम कलर आएगा, और दोनों का जो कलर होता है वो क्या होता है आपके पास, एक का ग्रीन होता है और एक का पेल ग्रीन, ग्रीन और इसका क्या होता है आपके पास, पेल ग्रीन। ठीक है, एक का क्या होता है आपके पास ग्रीन और दूसरे का क्या होएगा आपके पास, पेल ग्रीन, पेल ग्रीन। ओके, नाउ जब आप निबोडियम को देखोगे तो निबोडियम के केस में आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, और आपके पास यूरोपियम है, यूरोपियम के केस में 11 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को जब आप फिल करोगे, ठीक है, जब आप 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो, आप s f ऑर्बिटल फॉर्म करो और f ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग शो कर दो। ठीक है, f ऑर्बिटल सपोज मैंने आपके पास इस तरह से शो किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो इसके अंदर जब आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए एक टाइम, ठीक है, एक टाइम आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, उसके बाद 8, 9, 10 और 11, तो देखिए यहाँ भी 3 ही इलेक्ट्रॉन अनपेड रहे जैसे निबोडियम में है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए, 3। दैट्स मीन दोनों का कलर क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो कलर होता है वो लिलिक और पिंक होता है। ठीक है, पिंक जैसा, ठीक है, लिलिक एंड इसको आप बोल सकते हो यहाँ पिंक। ओके, नाउ प्रोमीथियम है, प्रोमीथियम के अंदर 4 अनपेड, आई थिंक आप यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओनली एफ ऑर्बिटल के अंदर जितने भी उसके एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको फिल करना है, फिर देखना है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जो आप 7 तक देखते हो तो इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जितना आपके पास, जैसे 4 है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 5 है तो 5 रहेंगे, लेकिन उसके बाद यदि आप 7 के बाद जाते हैं आगे, तो उसके बाद आप पेयरिंग करके देख लीजिए कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन वहां पर बसते हैं। नाउ प्रोमीथियम है, प्रोमीथियम इज ऑल्सो पिंक इन कलर। ठीक है, प्रोमीथियम भी कैसा है आपके पास, पिंक इन कलर, दिस इज ऑल्सो पिंक इन कलर। एंड जो आपके पास होलोनियम है वो कैसा है, रोज पिंक, दिस इज रोज पिंक। ओके, ये क्या है आपके पास, रोज पिंक। नाउ समेरियम है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका कलर आपके पास होता है येल्लो। ठीक है, कैसा होता है, येल्लो होता है, सेम कलर डीवाई का होता है, ये भी क्या होता है आपके पास, येल्लो कलर का होता है। यूरोपियम को देखिए तो पेल पिंक कलर होता है इसका।
ठीक है, यहाँ पर इसका कलर क्या होता है आपके पास, पेल पिंक। ठीक है, ऐसे ही F8 टिबेरियम आता है, उसका कलर क्या हो जाएगा, पेल पिंक। ओके, गैडोलिनम जो है वो आपके पास कैसा होता है, दैट इज कलरलेस, क्योंकि 7 अल्पेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कलरलेस है, ये एक्साइटेशन शो नहीं करता। ओके, तो ये था आपके पास कलर, कि हमने कलर्स डिसाइड किए, हमने बोल दिया कि जितने भी लैंथेनाइड्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, एक्वा स्टेट जो आप बोलते हो, ठीक है, उसके अंदर कलर शो करते हैं। एक्सेप्शनल्स है आपके पास सिमेरियम, और ठीक है, बाकी आपके पास जो भी है, हम इसको याद रखने के लिए ट्रिक यूज करते हैं कि हम एक साइड क्या लिखेंगे, 7 तक लिखेंगे, फिर नीचे से दोबारा से 7 से ऊपर जितने भी आते हैं, 7 8 7 से लेके 14 तक लिख देते हैं। अब दोनों के साथ दोनों साइड्स क्या है, कलर ऑलमोस्ट सेम से है, ठीक है, कलर ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप इसको जो है इस तरह से याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको याद रखने के लिए ट्रिक फॉर्म कर सकते हो कि यदि आप लेफ्ट साइड देखते हो तो आपके पास क्या जाता है, बाकी स्टार्टिंग और फर्स्ट टू और लास्ट तो क्या है, कलरलेस ही है, बाकी याद रखने के लिए GLPYP, ठीक है, GLPYP है, और यहाँ पे आपके पास कलर सेम सा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर लाइट कलर आ सकता है या थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ज्यादा नहीं आता है, तो इसके अंदर आ जाता है PPRYP। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो, पेल ग्रीन, पिंक, रोज पिंक, येलो एंड पेल पिंक। नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो एक्सेप्शनलिटीज है ये किस वजह से आती है। यस स्टूडेंट्स, तो हमने क्या बोला है आपके पास कि जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, दैट आर कलर्ड, आर कलर्ड इन बोथ सॉलिड, इन बोथ सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस स्टेट। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है आपके पास, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग उनका कलर आएगा। ठीक है, और जितने भी लेंथेनाइड्स हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें कलरलेस है, बाकी जो जितने भी लेंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो क्या होते हैं, कलर होते हैं। ठीक है, जो हमने पीछे सिक्वेंस देखी थी कलर्स की, वो किसके अकॉर्डिंग देखी थी हमने, अकॉर्डिंग टू मेन स्मिथ कलर सिक्वेंस, अकॉर्डिंग टू मेन स्मिथ कलर सिक्वेंस। ठीक है, मेन स्मिथ कलर सिक्वेंस के अकॉर्डिंग मेन स्मिथ ने क्या बोला आपके पास, कि आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन NF के अंदर प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसका कलर सेम वैसा ही होगा जैसा कि 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन्स में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं आपके पास, हमने पीछे जो देखा था कलर सीक्वेंस, लाइक मैं इसमें बात करूं कि आपके पास प्रोमीथियम है, ठीक है, तो प्रोमीथियम का यदि आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोमीथियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ठीक है, सेम इसके सामने आपके पास सीरीज में क्या था, Tm3 पॉजिटिव, ठीक है, तो Tm3 पॉजिटिव के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है F12। ओके, नाउ देखिए F2 इलेक्ट्रॉन्स मींस मतलब इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, और यहां हमें देखना होगा F12, तो मतलब 14 माइनस 2, ठीक है, 14 माइनस 2 F इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपके पास हुआ है आपके पास 12 F इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ देखिए कितना इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, तो आपके पास सीधा हो गया कि आपके पास आपने F ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लिया, ठीक है, आपने यहां पर क्या किया, F ऑर्बिटल फॉर्म किया। ओके, यहाँ हमने F ऑर्बिटल फॉर्म किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, आप इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए। अब यदि आप Tm का केस लेते हो और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो, ठीक है, हमने इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, 7 सब ऑर्बिटल्स फॉर्म किए, 3 4 5 6 एंड 7,
कि 12 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे तो क्या होंगे आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखिए दोनों ही केसेस में मैंने क्या बोला है, दोनों केसेस में मैंने यही बोला आपको कि आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट अनपेयर्ड और दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। यदि दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का जो कलर आएगा, ठीक है, दोनों का जो आपके पास कलर आता है, दोनों का जो कलर आता है टीएम का भी और प्रोमिथियम का भी, वो कैसा आता है आपके पास, एक का ग्रीन, ठीक है, एक का तो आता है ग्रीन और दूसरे का आता है पेल ग्रीन। ओके, तो ऑलमोस्ट से क्या होते हैं, सेम सा कलर इनका दिखता है जिनके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम थे। बट जो मेन स्मिथ कलर सीक्वेंस है उसके लिए एक लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए ही क्या है, वैलिड है, ठीक है, वैलिड वैलिड ओनली फॉर किसके लिए, ओनली फॉर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ये वैलिड है। नाउ अब यदि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यदि आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यदि आपके पास, सपोज कीजिए हमने लैंथेनॉइड्स के केस में क्या बोला था कि लैंथेनॉइड्स के अंदर लैंथेनॉइड्स जो है +2 की फॉर्म में भी रह सकते हैं और कुछ क्या रह सकते हैं, +4, कुछ एक्सेप्शनल केसेस आपके पास थे, ठीक है, तो उस केस में कलर जो है सेम नहीं रहेगा, कलर इज नॉट सेम, कलर इज नॉट सेम, ठीक है, इन केस ऑफ सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लैंथेनाइड जो होते हैं आपके पास, मेनली 3 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस शो करते हैं, ठीक है, दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक पैलेस इन लैंथेनाइड्स, ठीक है। वो 3 टाइप्स के जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो क्या क्या होते हैं आपके पास, फर्स्ट वन आपके पास है फॉर एफ ट्रांजिशन, जिसको आप बोल सकते हो, तो यहाँ पे लैंथेनाइड है तो आपके पास क्या होगा, 4F ट्रांजिशन। देन आपके पास आता है 4F से यदि 5D के अंदर ट्रांजिशन हो, थर्ड जो है वो है आपके पास चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होते हैं, 3 तरह से होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, किसको डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 4F-4F ट्रांजिशन को। तो देखिए जो 4F-4F ट्रांजिशन होता है ये लैपोर्टे फॉरबिडन होता है, ठीक है, ये क्या होगा आपके पास, लैपोर्टे फॉरबिडन एक रूल है, स्पिन्स जो सिलेक्शन रूल होता है ट्रांजिशंस के लिए, और वो रूल है कि आपके पास, दैट रूल इज कि आपके पास डेल एस की वैल्यू, स्पिन सिलेक्शन रूल तो क्या कहता है कि डेल एस की वैल्यू यदि फॉरबिडन है तो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो डेल एल है, लैबोरेटरी के अंदर डेल एल आता है, तो डेल एल क्या बोलते हैं आपके पास, डेल एल की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, +-1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वहां पर +-1 नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या है, लैपोर्टे फॉरबिडन है। नाउ जब देखिए जो लैपोर्टे फॉरबिडन है उसकी वजह से जो यहाँ पर बैंड अपीयर होते हैं वो कैसे बैंड आते हैं आपके पास, बैंड जो आपके पास आएंगे स्पेक्ट्रा के अंदर वो कैसे आते हैं आपके पास, शार्प बैंड, दैट आर शार्प, शार्प बैंड वहां पर अपीयर होते हैं। किस तरह से आते हैं, लाइक आपके पास यदि मैं बात करूं कि इस तरह से कोई हमने बैंड दिखाया तो वो शार्प बैंड आपके पास दिखाई देगा, ठीक है, दिस वन इज द शार्प बैंड। नाउ इसका रीजन क्या है, क्यों आपके पास शार्प बैंड दिखाई देते हैं 4F-4F ट्रांजिशन के अंदर, ठीक है, तो
तो रीजन इसका क्या है आपके पास, रीजन इसका ये है कि जब हम 4f-4f ट्रांजिशंस देखते हैं तो उस केस में f ऑर्बिटल डीपली बरिड होता है, अंदर की साइड होता है, ठीक है। आप इस तरह से क्या फॉर्म करते हो, आप इस तरह से जो है एटम्स को के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं, 6 जो है मैंने क्या लिखे हैं, ऑर्बिटल्स यहाँ पर शो किए हैं, ओके। नाउ देखिए यहाँ क्या है आपके पास, मैंने कहा 1s है, 2s है, 3s है, 4s है एंड 5s है, 1s, 2s, 3s, 4s, दिस इज 5s एंड दिस इज 6s, दिस इज 5s। नाउ आपके पास f ऑर्बिटल कहाँ है, n माइनस 2 के अंदर, मतलब 4 वाली सीरीज के अंदर, और 4 वाली सीरीज आपके पास थर्ड पे है, ठीक है। ये आपके पास n है, ये n माइनस 1 है और ये क्या है, n माइनस 2 है, ठीक है। अब आप देखिए ये है आपके पास f, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में यदि कोई लिगेंड आपके पास, ये कोई लिगेंड है, ठीक है, इस लिगेंड को कहाँ अप्रोच करना है, इस लिगेंड को यहाँ अप्रोच करना है, तो ये इजीली क्या नहीं कर पाएगा, अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस किस के, 6s के और 5d के, वो क्या दिखा देते हैं, शील्डिंग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, वो शील्डिंग क्रिएट करते थे, दैट्स व्हाई लिगेंड का इंट्रैक्शन डायरेक्ट जो है, जो आपके पास मेटल है, ठीक है, जो भी लैंथेनाइड मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं हो पाता, दैट्स व्हाई वहां पर जो आपके पास लिगेंड का लिगेंड का वाइब्रेशंस नहीं हो पाता, दैट्स व्हाई आपके पास पीक कैसी आएगी, पीक आएगी आपके पास शार्प पीक, ठीक है। तो आप इसका रीजन यहां पर लिखेंगे कि रीजन क्या है इसके अंदर, रीजन इसका है, रीजन क्या गिवन है, रीजन यहां पर गिवन है कि द 4f-4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन्स आर डीपली बरिड, डीपली बरिड एंड देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ लिगेंड टू मेटल, ठीक है, मेटल का उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, सो यहाँ पर आपके पास कोई वाइब्रेशंस नहीं होती है लिगेंड के अंदर, दैट्स वाई पीक जो आपके पास आती है, ठीक है, बैंड की जो पीक आएगी, बैंड की जो पीक आती है वो कैसी आती है, शार्प आती है, ठीक है। तो दूसरी बात तो इसके अंदर ये होगी, एंड एक और चीज इसके अंदर ये है कि यदि आपने लिगेंड के अंदर कुछ चेंज किया, आपके पास ये क्या है, लिगेंड है, आपने इस लिगेंड को सपोज कीजिए आपके पास साइनाइड लिगेंड है, अब आप यहाँ पर सीओ लिगेंड ले आते हो, ठीक है, तो देखिए यदि लिगेंड चेंज हुआ, इफ लिगेंड चेंज होता है तो आपके पास बैंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैंड डू नॉट शो एनी चेंज, बैंड के ऊपर कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लिगेंड का तो इंट्रेक्शन हो ही नहीं रहा है मेटल के साथ, ठीक है, तो मेटल के साथ यदि कोई इंट्रेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये लिगेंड किसी भी तरह का कोई चेंज लाने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है, ये है। अब देखिए सेकेंड जो आपके पास आता है, सेकेंड क्या है आपके पास, सेकेंड वन इज 4f एंड 5d, 4f एंड 5d ट्रांजिशंस हम देखेंगे। अब देखिए 4f एंड 5d ट्रांजिशन क्या है, ये कब पॉसिबल होता है, ये भी पॉसिबल है आपके पास, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, ये भी क्या है, पॉसिबल है, किसके केस में, लैंथेनाइड में, इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स, इन लैंथेनाइड्स। नाउ बोर्ड यहां पर जो आपके पास बैंड आता है, बैंड यहाँ पर जो मिलता है, उस बैंड की खासियत ये है कि यहाँ पर आपके पास जो बैंड मिलेगा वो ब्रॉडर बैंड मिलेगा, ठीक है, चौड़ा मिलेगा, लाइक आपके पास इस तरह से जो है बैंड अपीयर होगा, ओके। नाउ बैंड की पोजीशंस जो है वो भी क्या होगी आपके पास, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, ऐसा ब्रॉडर बैंड आने का रीजन क्या है, क्योंकि इस केस में रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे
क्योंकि यहां पर क्या है, डी ऑर्बिटल किसका इन्वॉल्व हो रहा है, 5d का, ठीक है, 4f से 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहा है, और डी जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ लिगेंड, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लिगेंड का आएगा, दैट्स वाई क्या होता है, आपके पास जो बैंड आता है वो आपके पास क्या मिलेगा, ब्रॉडर मिलेगा ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ लिगेंड्स, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ लिगेंड। एफ एफ ट्रांजिशन के अंदर लिगेंड मेटल से इंटैक्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए लिगेंड के अंदर किसी तरह की कोई वाइब्रेशंस नहीं हुई, इसलिए पीक शार्प मिली, बैंड शार्प मिला। लेकिन 4F5D के अंदर जो है वो लिगेंड जो है वो इंटैक्ट कर पा रहा है डी के साथ, ठीक है, डी के साथ, डी के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंट्रैक्शन शो करता है, तो वहां पर क्या होता है, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वाइब्रेशन शो करते हैं और आपके पास पीक ब्रॉडर अपियर होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है आपके पास वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कब पॉसिबल होगा, ये जो नेक्स्ट टाइप का जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है ये कब ऑब्जर्व आपको होता है। देखिए नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है, ट्रांसफर है आपके पास, वो क्या है, इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर जो स्पेक्ट्रा किसकी वजह से पॉसिबल हो, या तो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से लिगेंड को चले जाए, ठीक है, या लिगेंड से मेटल को चले जाए, तो द स्पेक्ट्रा इज पॉसिबल, या आप कह सकते हो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज पॉसिबल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से कहां चले जाएं, मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल, तो वो क्या होता है आपके पास, वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। हम 4F5D का ट्रांजिशन का एग्जांपल लेंगे, लेकिन पहले हम क्या कर रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, यहां देखिए, यहाँ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स यदि हम इसका लें तो आपके पास आता है सीरियम 4 पॉजिटिव, ठीक है, सीरियम 4 पॉजिटिव है, इसका मतलब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो जीरो हो चुके हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन जब आपने रिमूव कर दिया तो ओनली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर आपके पास मिलती है। लेकिन इस सीरियम का कलर, इस सीरियम का कलर कैसा होता है आपके पास, ऑरेंज कलर होता है। ऑरेंज कलर क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर ट्रांजिशन होता है लिगेंड के ऑर्बिटल्स का, ठीक है, सॉरी लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एफ ऑर्बिटल ऑफ सीरियम में चले जाते हैं। हम इसके लिए लिखेंगे बिकॉज, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल ऑफ सीरियम, ठीक है, कैसे हुआ है कि आपके पास लिगेंड के ऑर्बिटल थे उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ठीक है, सीरियम तो खाली है, सीरियम के पास जीरो है, लेकिन लिगेंड कोई भी था उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसको दे दिए, सीरियम को दे दिए, मतलब यहाँ पर क्या हुई है, ट्रांजिशन हो गई, ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफर यहाँ पर हुआ है। ओके, सेम इसी तरह से यदि हम किसका एग्जांपल लेते हैं, यदि हम एग्जांपल लेते हैं, ये किसका एग्जांपल है आपके पास, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के ही, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के ही, ठीक है, सेम इसी तरह से एक एग्जांपल आपके पास आता है सिमेरियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, सिमेरियम 2 पॉजिटिव है, इसके केस में आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास हाफ फिल्ड होता है, ठीक है, तो हाफ फिल्ड होने के बाद तो इसके अंदर से क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब ट्रांजिशन होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर इसका होता है, होना कैसा चाहिए था, कलरलेस होना चाहिए था, बट इट इज ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर, रीजन वही, इसके अंदर क्या हुआ है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा CTS यहां पर ओपन हुई है, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल आपके पास है यूरोपियम 3 पॉजिटिव, EU 3 पॉजिटिव,
ठीक है। ईयू थ्री पॉजिटिव के अंदर यदि आप देखोगे तो यहाँ भी क्या होता है, होना चाहिए था आपके पास कलर जो है इसका, आपके पास कलरलेस होना चाहिए था ये, ठीक है। ये क्या होना चाहिए था आपके पास, कलरलेस होना चाहिए था, इट मे मस्ट बी कलरलेस, लेकिन ये कलरलेस नहीं है। इसका जो कलर होता है वो आपके पास होता है येल्लो, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, येल्लो कलर, ठीक है। इसका येलो कलर होता है, रीजन वही आपके पास, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड से मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, जब आपने यूरोपियम थ्री पॉजिटिव देखा, ठीक है। यूरोपियम थ्री पॉजिटिव की यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखेगा आपको, ये तो हाफ फिल है, ठीक है। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यूरोपियम की आपके पास क्या होती है, जीनोन, ठीक है, जीनोन, देन 4F 7, then 5D1 and 6S2। जब ये तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो नोबल गैस होनी थी, तो नोबल गैस का कलर कैसा होता था आपके पास, कलर जो आपके पास होना चाहिए था वो था कलरलेस, ठीक है। होना क्या चाहिए था, कलरलेस, बट ऐसा नहीं होता है, कलर क्या होता है, येलो कलर, ठीक है। Now, हमने क्या कहा था, हम एग्जाम्पल्स देखेंगे किसके, हम देखेंगे 4F 5D ट्रांजिशन। काफी बार एक क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है कि सीरियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, एक होता है आपके पास सीरियम 3 पॉजिटिव और दूसरा है आपके पास गैडोलिनम 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके पास, कलरलेस, ये क्या होते हैं आपके पास, कलरलेस होते हैं, ठीक है। और आपके पास जो सीरियम 4 पॉजिटिव होता है वो भी क्या होता है, कलरलेस होता है। नाउ इसका रीजन देखो क्या होता है कि आपके पास जो सीरियम 3 पॉजिटिव है वो कलरलेस क्यों है, बिकॉज दे डू नॉट अब्सॉर्ब इन विजिबल लाइट, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट अब्सॉर्ब, बिकॉज दे डू नॉट अब्सॉर्ब, दे डू नॉट अब्सॉर्ब इन विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट के अंदर या विजिबल रीजन आप बोल सकते हो, विजिबल रीजन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते, ओके, बट शो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, बट शोज स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। विजिबल रीजन के अंदर ये अब्सॉर्ब नहीं हो रहे, लेकिन किसमें अब्सॉर्ब हो रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम, ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम, रीजन क्या था इसके अंदर, 4F टू 5D, ठीक है, 4F टू 5D के अंदर इसमें ट्रांजिशन आपके पास होता है, ठीक है। अब हमने क्या कहा है, ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं, भाई विजिबल के अंदर इन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन क्या दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं अल्ट्रावायलेट के अंदर, ठीक है। इसका रीजन दो है, दो रीजन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट वन क्या है, एक तो लैबोरेटरी अलाउड होता है, ये तो हमने बोला ही है कि जो 4F और 5D होता है वो क्या होता है, लैबोरेटरी अलाउड होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने कहा लैबोरेटरी अलाउड क्या है, डेल एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस वन, ठीक है। लाइक जैसे मैं 4F की बात करूं और ये क्या है 5D, ठीक है, तो डी से एफ में जाते हैं, ठीक है, डी से एफ में जाएंगे तो आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो है डी से क्या होता है, एफ और मेटल होता है, एक का ही चेंज हुआ है, चाहे वो माइनस का है, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एफ से डी में आ रहे हो आप, ठीक है, एफ से डी में आ रहे हो, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, माइनस वन का चेंज आया है, जो कि लैबोरेटरी अलाउ रूल को शो करता है। नाउ सेकेंड रीजन क्या है, कि प्रमोशन होता है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो क्या बन जाती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लाइक यदि मैं सीरियम की बात करूं, ठीक है, मैं किसकी बात करती हूं यहाँ पर, मैं यहाँ सीरियम की बात करती हूँ कि आपके पास सीरियम है, ठीक है, सीरियम है और उसके पास चार्ज क्या है, प्लस थ्री, क्या होंगे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, एफ वन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन रहेगा। यदि ये सीरियम 4 पॉजिटिव के अंदर होगा तो एफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0, तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1 का आया, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ। सेम इसी तरह से यदि मैं गैडोलिनम को लूं और 2 पॉजिटिव है, इसके अंदर गैडोलिनम कितना होता है, पास F8 होता है,
ठीक है, टू पॉजिटिव स्टेट के अंदर। लेकिन यदि मैं गैडोलिनम को, दिस वन इज जीडी, दिस वन इज जीडी, ठीक है, गैडोलिनम को यदि मैं क्या ले लेती हूँ, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में लेती हूँ, तो F7 आता है। ठीक है, तो देखो 8 से 7 आया है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है, इन दोनों रीजंस की वजह से, कि गैडोलिनम के अंदर और शीरियम के ऊपर। ठीक है, गैडोलिनम और दूसरा क्या है आपके पास, सीरियम। ठीक है, इन दोनों के केसेस के अंदर शार्प स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड होता है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, क्योंकि ये लैपोर्टे अलाउड है, लैपोर्टे रूल को फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ दोनों ही केसेस में एक इलेक्ट्रॉन का क्या दिखा रहा है आपके पास, प्रमोशन दिखाया जा रहा है। ये था आपके पास कलर एंड स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइड। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स। नाउ हमें देखना है कि लैंथेनाइड्स किस तरह की रिएक्टिविटीज शो करते हैं, और वी कैन से कि उनके केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिक चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं, जो आपके पास लैंथेनाइड्स हैं, ठीक है, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड्स आर हाईली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इजीली क्या कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। ठीक है, एंड जो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। दे शो ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी, या केमिकल बिहेवियर आप बोल सकते हो, केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, कि हमने बोला इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ओके, देन हमने बोल दिया कि भई ये क्या करते हैं, जितने भी लैंथेनॉइड्स है, चाहे वो लैंथेनम है, सीरियम है, प्रोमीथियम है, ठीक है, गैडोलिनम है, कोई भी है, वो क्या कहलाते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सी जो है केमिकल रिएक्टिविटी श्योर करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इनका ये है, दीज आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, हम यहाँ क्या बोलते हैं, दीज आर मोर रिएक्टिव देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करते हैं डी ब्लॉक से, ठीक है, तो उनकी रिएक्टिविटी एफ ब्लॉक से क्या मिलेगी, एफ ब्लॉक मतलब लैंथेनाइड से क्या मिलेगी आपके पास, कम मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पास कि रिएक्शंस किस किस के साथ ये कर सकता है, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड हम यहाँ पर लिख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। देखिए, हम केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड्स किसके साथ, विद वॉटर। ठीक है, देन हम देखेंगे आपके पास कि आपके पास रिएक्शन जो है आपके पास लैंथेनाइड्स की किसके साथ, एयर के साथ, रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड विद ऑक्सीजन। देन हम देखेंगे इसके पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड विद हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद जो हम पॉइंट देखेंगे वो क्या है आपके पास, रिएक्शन विद हैलाइड्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन विद कार्बन। एंड लास्ट जो हम यहाँ पर आपके पास देखेंगे, दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रोजन या नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, ये सारी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद वॉटर। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपके पास, रिएक्शन विद वॉटर, वॉटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, वॉटर आपके पास क्या है, आपके पास वॉटर है, वॉटर टू टाइप से है आपके पास, एक कोल्ड वॉटर है, ओके, और एक क्या है आपके पास, हॉट वॉटर। लैंथेनाइड की रिएक्शन दोनों के साथ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यदि मुझे लैंथेनाइड लिया और लैंथेनाइड को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, तो सेकेंड केस में मैंने लैंथेनाइड लिया और उसको हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो दोनों में चेंज अलग अलग आपको जो है इसका केमिकल बिहेवियर दिखेगा। फर्स्ट, यदि मैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो रिएक्शन इज स्लो,
reaction slowly. टेक प्लेस ओके एंड रिएक्शन जो है यह हॉट वाटर के साथ क्या होगी रैपिड होगी रिएक्शन अकर्स रैपिडली ओके फर्स्ट थिंग्स तो ये ओके यहाँ पे रिएक्शन हुई अब यहां से क्या निकल कर जाएगा जब रिएक्शन हुई है इसके साथ तो एक तो होगी कि आपके पास वाटर के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो आपके पास क्या होगा रिएक्शन स्लो या फास्ट होगी अब रिएक्शन जब हुई तो उस केस में आपके पास फॉर्मेशन किसकी हुई ठीक है रिएक्शन के अंदर इसमें आपके पास क्या होने वाला है ठीक है क्या है आपके पास लैंथेनाइड जो है लैंथेनाइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है आपके पास वाटर के साथ ठीक है जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करवाता है तो आपके पास क्या बनता है आपके पास बन के आता है हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या बनेगा हाइड्रोक्साइड ठीक है OH ग्रुप जो है वो आपके पास लैंथेनाइड के साथ अटैच हो जाता है ठीक है रिएक्शंस कैसे होंगे देखिए रिएक्शंस कैसे होती है आपके पास हम क्या बोलते हैं आपके पास क्या है लैंथेनाइड है ठीक है रिएक्शन की किसके साथ वाटर के साथ और फॉर्मेशन किसकी हुई हाइड्रोक्साइड्स की एलएन OH थ्राइस अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप थ्री लगे हैं क्यों लगे हैं क्योंकि लैंथेनाइड्स किस स्टेट के अंदर है आपके पास प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब हम ये रिएक्शंस देख रहे हैं ठीक है साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कि यहाँ से आपके पास निकल कर जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से इवॉल्व होती है ठीक है रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो कि आपके पास यहाँ पर क्या है 6 12 हाइड्रोजन है ठीक है तो लैंथेनाइड्स 2 हुए यहाँ पर हाइड्रोजन 6 वाटर मोलिक्यूल्स एंड 2 एलेंस ठीक है ये आपके पास रिएक्शन हुई अब देखिए ये जो हाइड्रोक्साइड आपके पास फॉर्म हुआ है ये जो हाइड्रोक्साइड आपके पास फॉर्म हुआ है ये वाला इसका नेचर कैसा है ठीक है ये किस तरह का बिहेवियर शो करता है इसका नेचर कैसा है इट इज आयनिक एंड बेसिक बेसिक रहेगा और आयनिक है अब कैसा बेसिक है कितना बेसिक है ठीक है वो हमें देखना है तो ये क्या है आपके पास लेस बेसिक देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है बट क्या है मोर बेसिक देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस ठीक है हमने क्या देखा कि जो हाइड्रोक्साइड आपके पास कब फॉर्म हुआ है जब लैंथेनाइड ने वाटर के साथ रिएक्शन किया हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की वो हाइड्रोक्साइड आपके पास आयनिक है बेसिक है ठीक है कितना बेसिक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो क्या होता है आपके पास एम्फोटेरिक ठीक है ये सभी को पता है कि ये क्या होता है आपके पास एम्फोटेरिक ठीक है तो उससे क्या होता है ज्यादा बेसिक आपके पास होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लू किसका लेते हैं हम एग्जाम्पल्स हम बोलते हैं कि हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म हुई है ठीक है लाइक मैं सबसे पहले बात करूं लैंथेनम की ठीक है यदि उसने हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया तो क्या फॉर्म कर लिया OH थ्राइस उसके बाद सीरियम है सीरियम ने फॉर्म किया OH थ्राइस ठीक है उसके बाद कौन आता है प्रोमीथियम आता है OH थ्राइस कब किया है जब उन्होंने वाटर के साथ रिएक्शन की लैंथेनम ने वाटर के साथ रिएक्शन की सीरियम ने की इस तरह से प्रोमीथियम ने की और लास्टली आप जाते हो लास्ट में आपके पास होता है ल्यूटेनियम और इसने भी क्या की हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर ली ठीक है तो देखिए जो आपके पास जो आपको पता है कि ये सारे के सारे क्या है ये सारे के सारे तो आयनिक है और साथ ही साथ क्या है बेसिक भी है ठीक है अब बेसिक करेक्टर कितना है क्या है ठीक है जब आप क्या करते हो लेफ्ट टू राइट जाते हो सीरीज के अंदर लैंथेनम से ल्यूटेनियम पर जाते हो तो आपके पास जो बेसिक करेक्टर होता है ठीक है जो आपके पास बेसिक करेक्टर है वो क्या हो जाता है आपके पास बेसिक करेक्टर यहां पर आपका जो है डिक्रीज हो जाता है बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास डिक्रीज हो जाता है ठीक है तो ये है आपके पास रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइड्स विद वाटर
यस, सेकेंड रिएक्शन हम करेंगे। सेकेंड रिएक्शन हमने क्या बोला था, हम सेकेंड रिएक्शन करने वाले हैं किसके साथ? सेकेंड रिएक्शन आपके पास होगी यहाँ पर रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर, या आप उसको बोल सकते हो ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होती है, आपके पास लेंथेनाइड है। एल एन वर्ड जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर ओल लेंथेनाइड। ठीक है, यदि एल ए होता तो लेंथेनम के लिए था। ठीक है, तो लेंथेनम जो लेंथेनाइड्स किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एयर के साथ। मतलब एयर के प्रेजेंस में जब इनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है वो क्या होता है आपके पास, एल एन टू ओ थ्राइस। ठीक है, ये क्या होता है, लेंथेनम ऑक्साइड्स। और इसका नेचर कैसा है, इट्स नेचर इज आयनिक एंड बेसिक, इट्स नेचर इज आयनिक प्लस बेसिक, आयनिक रहेगा और बेसिक है ये। ओके, तो ये इस तरह से आपके पास फॉर्मेशन जो होती है ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स की, लेंथेनम की। ठीक है, तो अब देखिए अब आपके पास क्या है, हम यदि कोई एग्जाम्पल उठाते हैं, लाइक मैं फर्स्ट ही एग्जाम्पल ले लूँ कि आपके पास लेंथेनम है। ठीक है, उसने किसके साथ रिएक्शन की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके पास मिलेगा LN2O3। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को, बैलेंस इक्वेशन होगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 6 हो गया, तो यहाँ पर 2 हो गया और ये आपके पास 4 लेंथेनम। तो इस तरह से आपके पास ये जो आपके पास फॉर्म हुआ है, दिस वन इज ऑक्साइड। ठीक है, ये आपके पास क्या बना है, ऑक्साइड। ओके, नाउ देखिए इसमें भी आपके पास एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक एक्सेप्शनल केस जो है वो है। ठीक है, यहाँ आपके पास एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल क्या है आपके पास, एक्सेप्शनल में यहाँ आता है एक्सेप्शनल, सभी लेंथेनाइड तो क्या कर रहे हैं, LN2O3 की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन सीरियम, कौन सीरियम जो है वो क्या करता है, सीरियम एयर के साथ O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ओनली CeO2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सीरियम प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा करता है। ठीक है, सीरियम के ऊपर जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस 4 होती है, तो ये ऑब्वियसली क्या बनाएगा, CeO2 की फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है आपके पास, इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर किसके लिए है, YB के लिए है। ठीक है, कौन दिखा रहा है आपके पास, YB, यट्रियम। यट्रियम क्या करता है, इट डज नॉट रिएक्ट। ठीक है, ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करता एयर के साथ, इट डज नॉट रिएक्ट विद एयर, विद एयर इवन अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी ये जो है वो आपके पास यट्रियम रिएक्शन नहीं करता है किसके साथ, एयर के साथ। इसका रीजन क्या है, ठीक है, इसका रीजन ये है कि एक्चुअल में जो ये यट्रियम होता है, ये नेचुरली इसके ऊपर एक नेचुरली क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसके ऑक्साइड्स की, बिकॉज आप लिख सकते हैं इसके लिए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो ये था आपके पास केमिकल रिएक्शन ऑफ एयर विद लेंथेनॉइड्स। नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है दैट इज थर्ड रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन आपके किसके साथ है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ लेंथेनाइड्स विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्शन ये करते हैं, हाइड्रोजन। ओके, तो देखिए जब लेंथेनाइड्स को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, लेंथेनाइड्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो टेम्परेचर गिवन यहाँ पर देना पड़ता है आपको, वो देना होता है 300 to 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज लेंथेनाइड हाइड्राइड, LnH2। ठीक है, ये जो आपके पास LnH2 फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये कैसा होता है आपके पास, दिस इज ब्लैक। ठीक है,
और ये क्या होता है, मेटलिक होता है। मेटलिक है इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का इसका रीजन क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का इसका रीजन आपके पास ये है कि जब हम यहाँ पर Al3 देखते हैं, तो यहाँ पर Al जो है वो किसमें कन्वर्ट हुआ है, Al तो किसमें है, Al3 पॉजिटिव जो था उसने क्या किया, यहाँ पर जब बॉन्डिंग की तो ये Al किसमें है, 3 पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर Al3 पॉजिटिव में है। इसका मतलब इसने क्या किया था, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब यहाँ इसमें से क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो तो हाइड्रोजन ने ले लिए और हाइड्रोजन ने क्या बना दिया, 2H-। बट यहाँ पर क्या हुआ, 1 जो इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर क्या रह गया, फ्री रह गया। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन किसकी वजह से होता है, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। नाउ अब यहाँ भी आपके पास एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, यहाँ भी आपके पास एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। एक्सेप्शनल क्या है आपके पास, एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल क्या है यहाँ पर, यहाँ पर फिर दोबारा से एक्सेप्शनल में आपके पास आते हैं EU एंड YB, ठीक है। सारे के सारे क्या करते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन EU जो है, ठीक है, जब ये EU क्या करता है आपके पास रिएक्शन करता है, EU या आपके पास YB हो, ठीक है, ये इनमें से जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो ये EU H2 की फॉर्मेशन तो करते हैं, लेकिन ये जो आपके पास EuH2 फॉर्म हुआ है, ये जो है दिस इज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रीजन आप सभी को पता है, क्योंकि ये यूरोपियम जो है, ठीक है, यहाँ पर ये जो यूरोपियम है, दिस वन, ये यूरोपियम जो यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस वन, ये क्या करता है, EU2 पॉजिटिव के फॉर्म में है। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने इलेक्ट्रॉन किए 2 इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लेके क्या बना लिया, 2H-, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ये था रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके पास है, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद हैलाइड्स, रिएक्शन विद हैलाइड्स। हैलाइड्स के साथ यदि रिएक्शन होती है किसकी, लैंथेनाइड्स की, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ओके। तो लैंथेनाइड जब भी आपके पास हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या कराएंगे, लैंथेनाइड हैलाइड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। दिस वन इज द रिएक्शंस, ओके। नाउ जो ये लैंथेनाइड हैलाइड आपके पास फॉर्म हुआ है, ये लैंथेनाइड हैलाइड आपके पास फॉर्म हुआ है, यदि ये क्या है आपके पास, हाइड्रेटेड है, ठीक है। इफ लैंथेनाइड LnX3 इज हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड है, और आप इसको क्या कर रहा है, एंड इट इज हीटेड, एंड इफ इट इज हीटेड, यदि इसको आप हीट करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए आपके पास किसकी फॉर्मेशन होती है, आपके पास क्या है, LnCl3, ठीक है, प्लस में, सॉरी इस प्लस नो, ये हाइड्रेटेड है, इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। यदि इसको हम हीट करते हैं, इसको मैंने हीट किया, तो अब यहाँ जो आपके पास फॉर्म होगा, दैट इज LnOCl, प्लस में क्या निकल जाता है, प्लस में बाई प्रोडक्ट आपके पास निकल जाएगा, 3 मोल्स ऑफ वाटर प्लस में 2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। तो आपके पास यहाँ लैंथेनाइड ऑक्सी हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है, बट यहाँ भी आपके पास एक्सेप्शनल है, ठीक है, इस केस के अंदर कि आपके पास यहाँ एक एक्सेप्शनल अराइज होता है। वो एक्सेप्शनल क्या है, वो एक्सेप्शनल यहाँ पर है सीरियम, ठीक है। वो एक्सेप्शनल आपके पास क्या है, सीरियम है। सीरियम कैसे करता है, जो सीरियम हैलाइड होता है आपके पास, सीई आपके पास क्या है, हैलाइड,
कैसा? हाइड्रेटेड, ठीक है। इसके पास सपोज कीजिए एस मोल ऑफ सॉरी एन मोल्स ऑफ वाटर है, और यदि इसको हीट किया गया तो उस केस में ये क्या बनाता है? ऑक्सीहैलाइड की बजाय सिर्फ सीरियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये आपके पास एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर, हैलाइड्स के अंदर। फिफ्थ जो आपके पास केमिकल रिएक्शन है वो हम किसके साथ देखेंगे? वो देखेंगे हम कार्बन के साथ, दैट इज रिएक्शन विद कार्बन, ठीक है। या आप बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड। लैंथेनाइड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम? रिएक्शन करेंगे हम कार्बन के साथ, और क्या बनाएंगे? कार्बाइड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जनरल सीधी सी रिएक्शन है, लैंथेनाइड है कार्बन के साथ रिएक्शन किया, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशंस है वो क्या है? लैंथेनाइड कार्बाइड की फॉर्मेशन इसने की। कंडीशंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पर इनर्ट एटमोस्फियर होना चाहिए, इनर्ट एटमोस्फियर होना चाहिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक आर्क भी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो आपके पास लैंथेनाइड कार्बाइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है LnC2 की, ये क्या होता है आपके पास? कंडक्टर होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर Ln3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट किए, तो यहाँ पर जो C2 है उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये बच गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इजीली हम लैंथेनाइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो है इसके अंदर केमिकल रिएक्टिविटीज के अंदर, दैट इज 6-1 रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन हो या नाइट्रोजन फैमिली के साथ, या नाइट्राइड्स फॉस्फाइड्स, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन करवाते हैं, इस तरह से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपके पास लैंथेनाइड है, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये Ln की फॉर्मेशन करेगा, इट मीन्स यहाँ पर आपके पास हाफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो ये आपके पास लैंथेनाइड नाइट्राइड की फॉर्मेशन, दिस इज नाइट्राइड, ओके। इस लैंथेनाइड नाइट्राइड्स को यदि आप किसके अंदर डिजोल्व कर देते हो? वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हो, तो आपके पास क्या बन जाता है? हाइड्रोक्साइड, लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड प्लस में अमोनिया गैस यहाँ से क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो है केमिकल रिएक्टिविटीज थी लैंथेनाइड्स की, हैलाइड्स के साथ, कार्बाइड के साथ, नाइट्राइड्स के साथ, हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ, ठीक है, ये सारी केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास सोल्युबिलिटी ऑफ लैंथेनाइड्स, ठीक है। देखिए लास्ट टॉपिक जो इस लेक्चर का रहेगा आपके पास, दैट इज सोल्युबिलिटी ऑफ लैंथेनाइड्स। तो देखिए जो सोल्युबिलिटी होती है लैंथेनाइड्स की, वो सेम पैटर्न फॉलो करती है, सेम पैटर्न फॉलो करती है जो कि आपके पास ग्रुप सेकंड के फॉलो करते हैं, सेम पैटर्न ऑफ सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट ऑफ ऑफ साल्ट ऑफ ग्रुप सेकेंड, ग्रुप सेकेंड के अंदर होता है, उसी तरह से सोल्युबिलिटी जो होती है इसके सॉल्ट्स ही होती है, ठीक है। नाउ देखिए हम क्या बोलते हैं कि एक साइड हम लिखते हैं सोल्युबल और साल्ट्स की, सोल्युबल सॉल्ट्स कौन से होंगे यहाँ पर, ठीक है। एक साइड हम लिख रहे हैं सोल्युबल सॉल्ट्स और एक साइड हम लिखेंगे इनसोल्युबल सॉल्ट्स, इनसोल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। तो देखिए जब हम सोल्युबल सॉल्ट्स की बात करते हैं, तो सोल्युबल सॉल्ट्स के अंदर आपके पास क्या आता है? सोल्युबल सॉल्ट के अंदर आपके पास क्या आता है? फर्स्ट वन इज हैलाइड्स, जो भी हैलाइड्स हैं वो क्या होते हैं? सोल्युबल्स होते हैं, बट यहाँ पर क्या है आपके पास? एक्सेप्शनल है, ठीक है। एक्सेप्शनल में आपके पास क्या आता है? वो आता है आपके पास फ्लोराइड्स, फ्लोराइड जो है वो सोल्युबल नहीं होता है, बाकी हैलाइड्स इसमें सोल्युबल हो जाते हैं। सेकंड इसके अंदर आपके पास आते हैं नाइट्रेट्स, जितने भी नाइट्रेट्स हैं लैंथेनाइड्स के वो सोल्युबल है। देन जो एसिटेट्स है लैंथेनाइड्स की, एसिटेट्स वो सोल्युबल है। देन आपके पास परक्लोरेट, पर क्लोरेट्स जो है लैंथेनाइड्स के वो सोल्युबल है। एंड सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। ये सभी सॉल्ट जो है आपके पास लैंथेनाइड्स के वो क्या होते हैं? सोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। सोल्युबल इन वाटर, ऑल दीज आर, दिस वन इज नॉट, ये जो आपके पास है ऑल दीज आर
सोल्यूबल इन वॉटर। ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या है? सेकेंड आपके पास है इनसोल्यूबल सॉल्ट। तो देखिए पहला ही हमारे पास आ गया फ्लोराइड, जो उसमें नहीं था हैलाइड्स के केस में। ठीक है, देन जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड सॉल्ट्स हैं, ठीक है, देन हाइड्रोक्साइड्स जो उसमें सोल्यूबल नहीं थे वो सारे क्या हो जाएंगे? हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, दिस वन इज हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, देन आपके पास आता है फॉस्फेट, फिफ्थ वन इज आपके पास कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, एंड देन आपके पास आते हैं ऑक्सलेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? ये सारे के सारे आपके पास इनसोल्यूबल सॉल्ट्स हैं। ठीक है, लैंथेनाइड फ्लोराइड, लैंथेनाइड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट, कार्बोनेट, ऑल दीज आर इनसोल्यूबल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया है? आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सोल्युबिलिटी ऑफ लैंथेनाइड देखी है, रिएक्टिविटी देखी है, एंड कलर एंड स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइड्स जो है डिस्कस किया है।